गोपाल नाम का एक गरीब आदमी रहता था और वो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता था। हमेशा से ही उसका काम यही था। अब कुछ ही दिनों में दिवाली भी आने वाली थी, इसलिए वो मिट्टी के दीपक भी बनाना शुरू करता है। गोपाल की पत्नी जिसका नाम पार्वती था, वो भी उसके साथ ही कामों में सहायता करती थी। गोपाल के दो बच्चे थे, बेटा और एक बेटी थी। जितना भी पैसा वो मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचकर कमाता था, उतने में ही उसके घर का पोषण करता था। एक बार की बात है कि वो सारा काम खत्म करके घर वापस आ रहा था, तभी एक बड़ी सी लॉरी आकर उसको धक्का दे देती है, जिससे वो गिर जाता है और उसके पहिए उसके पैरों पर चढ़ जाते हैं। फिर क्या होना था, बेचारे गरीब गोपाल के दोनों पैर टूट जाते हैं। उसको अस्पताल पहुंचाया जाता है। डॉक्टर ने सारी जांच करके बताया कि अब गोपाल जिंदगी में दोबारा कभी नहीं चल पाएगा। ये बात जानकर घर वाले बहुत परेशान थे। गोपाल तो पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि घर में अगर चार पैसे कमाता था तो वो सिर्फ गोपाल ही था। अब उनका घर बेसहारा हो गया था, इसलिए वो अपनी पत्नी से बहुत ही दुखी भरी आवाज से कहता है, पार्वती, ये भगवान का कैसा न्याय है पार्वती, अब हमारे घर का हाल क्या होगा? मैं ऐसे चारपाई पर कब तक लेटा रहूंगा? भगवान ने ये हमारे साथ क्या अनर्थ कर दिया पार्वती, घर में पैसा कमाने वाला सिर्फ मैं अकेला था, अब हमारा घर कैसे चलेगा? हमारा बेटा बहुत छोटा है, उसको कोई काम भी तो नहीं पता, दुनियादारी के बारे में वो कुछ नहीं जानता, लेकिन अब हमारी परिस्थिति को कौन समझेगा, हमारी सहायता कौन करेगा? दिवाली भी आने वाली है, बच्चे छोटे छोटे हैं, कुछ न कुछ तो मांगेंगे, पर मैं उनको कैसे ला कर दूंगा, दिए भी तो बनाकर बेच नहीं सकता। काश मुझसे ये काम हो पाता, कम से कम पैसा तो मिलता, पता नहीं अब हमारा जीवन कैसे गुजरेगा, मैं सच में बहुत परेशान हूँ पार्वती। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हो, ऐसे हिम्मत मत हारिए। कहते हैं ना कि भगवान अगर एक रास्ता बंद कर देता है तो 10 रास्ते खोलता है। आप ऐसे परेशान मत हो जाइए, हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। आप ऐसे चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना कुछ करूंगी। कल सुबह ही जाकर मैं कोई काम ढूंढूंगी, अगर कोई काम मिल जाएगा तो भगवान की बड़ी कृपा हो जाएगी। भगवान ने जिंदगी दी है, भगवान की मर्जी, वो जैसा चाहेगा वैसा ही करेगा। लेकिन आप ऐसे हिम्मत मत हारना, क्योंकि हिम्मत से ही हमें हर काम करना होगा, छोटे छोटे बच्चे जो हैं। इस तरह से ये सारी बातें कहकर पार्वती गोपाल को हिम्मत देती है। फिर दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर पति और दोनों बच्चों के लिए खाना बनाती है। घर का सारा काम खत्म करके अपने लिए काम ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है। बहुत जगह ढूंढने के बाद उसको दो घरों में बर्तन धोने का काम तो मिल जाता है, लेकिन पार्वती ने सोचा कि सिर्फ दो घरों में काम करने से जो पैसा उसको मिलेगा उसमें उसके घर का पोषण नहीं होगा, जिससे उसने सोचा कि अब वो छोटे छोटे दिए बनाएगी, क्योंकि दिवाली आने ही वाली है, मिट्टी के दिए बनाकर वो बेचेगी। ये सोचकर पार्वती कुछ मिट्टी के दिए बनाती है और उसके छोटे से बेटे को दे देती है और कहती है कि बाजार जाकर इन दियों को बेचकर पैसे लेकर आए। उसका छोटा सा बच्चा भी उन सारे दियों को ले जाकर बाजार में बैठा करता था। एक दो दिन तो उस बच्चे ने कुछ अच्छे पैसे ही कमा लिए थे, लेकिन उसके बाद उस बच्चे से कोई भी दिए नहीं खरीदते थे, जिससे वो बच्चा बहुत उदास और निराश हो जाता है और फिर एक जगह जाकर बैठ जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। वहीं से गुजर रही प्रिया उसको देखती है, छोटे से बच्चे को ऐसे परेशान रोता हुआ देखकर उसके पास जाती है और उससे पूछती है, सुनो तुम क्यों रो रहे हो और यहाँ ऐसे अकेले क्यों बैठे हो, बताओ तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा घर कहाँ है, अरे कुछ तो बोलो। प्रिया की ये बात सुनकर वो मासूम सा बच्चा उसको अपने मन की सारी बात बता देता है और साथ ही उसकी घर की परिस्थिति और उसके पिता के साथ क्या क्या हुआ था, ये सब कुछ भी प्रिया को बता देता है। प्रिया उस बच्चे की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। प्रिया के समझ आ जाता है कि ये मासूम सा बच्चा इतना दुखी बैठकर यहाँ क्यों रो रहा था। फिर उसके दूसरे ही दिन प्रिया उस बच्चे के घर पहुँच जाती है और उनके घर का एक वीडियो बनाती है, उसके साथ साथ गोपाल को भी उस वीडियो में डाल देती है
और उनके घर की परिस्थिति भी सब कुछ वीडियो में बनाती है और फिर उस वीडियो को एक शॉर्ट फिल्म की तरह निकाल कर सोशल मीडिया पर डाल देती है। उसके साथ ही मिट्टी के बर्तन और उनके बनाए दिए भी सोशल मीडिया पर डाल देती है और कहती है कि जिसको भी ये दिए चाहिए तो ऑनलाइन में वो लोग उसको ऑर्डर कर सकते हैं, जिससे बड़ी आसानी से सारे लोगों को वो दिए मिल जाएंगे। प्रिया की ये सब कुछ काम करता हुआ देखकर पार्वती उसके पास आई और उससे पूछने लगी, देखो तुम कौन हो और ये सब कुछ क्यों कर रही हो? जी मेरा नाम प्रिया है और मैंने आपके बेटे से बात की थी। उससे पूछने के बाद आपके सारे घर की स्थिति मुझे मालूम हो गई थी, इसीलिए मुझे आपकी सहायता करने का मन कर रहा था। मैं आपकी यहाँ आपकी सहायता करने के लिए आई हूँ। अब आप एक काम कीजिए, बिना देर किए बहुत सारे दिए बनाइएगा, मैं उन सारे दियों को ऑनलाइन की मदद से बेचूंगी और उसमें जितना भी फायदा आएगा वो सारा का सारा आपका होगा। मुझे विश्वास है कि आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। इस तरह प्रिया पार्वती को कहती है कि बहुत सारे दिए बनाए और पार्वती भी प्रिया जैसे कहती है वैसे ही करती है। देखते ही देखते उनके यहाँ बहुत सारे ऑर्डर्स आने लगे और उनके दिए बहुत ज्यादा बिकने लगे, जिससे पार्वती और उसके परिवार को बहुत ज्यादा फायदा मिल गया था। ये सब कुछ देखकर गोपाल, पार्वती और उसके दोनों छोटे बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। गोपाल की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। तभी गोपाल उस लड़की से कहता है, देखो बहन, हमारे इतने परेशान समय में तुम हमारे जिंदगी में एक देवी का रूप बनकर आ गई और हमारी सहायता तुमने कर ली। सच मानो मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज मेरी पत्नी और मेरे बच्चे दिवाली के इस मौके पर इतने खुश है। मेरे बच्चों को इतना खुश मैंने कभी नहीं देखा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन। इस तरह आंखों में भरे पानी से उसका धन्यवाद करता है। गोपाल को देखकर प्रिया कहती है कि अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके परिवार का हमेशा साथ दूंगी। आप ऐसे ही मिट्टी के बर्तन और दिए बनाते रहिए और मैं इसको ऑनलाइन से बेचती रहूंगी, जिससे आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। ये बात सुनकर परिवार के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और पार्वती भी बहुत ज्यादा मेहनत करके काम करने लगती है। इस तरह धीरे धीरे उनके घर का पूरा हाल बदल गया था। उनकी सारी परेशानियां दूर हो गई थी। अब उनका परिवार हंसी खुशी जीने लगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताना। और हाँ, आपको और आपके पूरे परिवार को हमारे चैनल की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं।